गुड इवनिंग फ्रेंड। अब क्योंकि गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है, अब इस समय छोटे बच्चों में लूज मोशंस और वोमिटिंग की शिकायत बहुत आम हो चली है। अब सभी बच्चे जो छोटे हैं उनमें बहुत प्रिकॉशंस के बाद भी उल्टी और दस्त हो जाते हैं। तो मैं आज अपनी इस लाइव शो में ही समझाना चाहूँगा कि अगर बच्चों को उल्टी दस्त हो जाए तो बिना घबराए उनका ट्रीटमेंट कैसे करें, बिकॉज उसमें जो बच्चों की बीमारी है उसमें दवाई का बहुत कम रोल है। हमें ये देखना होगा कि हम बिना दवाई के और कैसे उन्हें ORS ठीक से पिला पाएँ। कुछ उस ट्रीटमेंट के दौरान घबराहट में गलती भी हो जाती है पेरेंट्स से, और जो बच्चों को बहुत नुकसान भी दे सकती हैं, कई बार उन्हें एडमिट भी करना पड़ सकता है। सबसे पहली बात तो बच्चों में डायरिया क्यों होता है, क्योंकि बच्चों के अंदर ना इम्यूनिटी पूरी तरह नहीं होती। मान लो एक आप बाजार का आइटम आप खाएं और एक कोई आइटम आप अपने खाने में से बच्चे को खिला दें, तो चांसेस हैं बच्चे को उससे लूज मोशन या वोमिटिंग हो जाएंगी। बहुत सारे वायरस हैं, जैसे रोटा वायरस है, नोरा वायरस है, ये वायरस ऐसे हैं जो सरफेस पे लगे रहते हैं, जमीन पे लगे रहते हैं, टेबल्स पे लगे रहते हैं, कपड़ों पे लगे रहते हैं, और बच्चे हर चीज़ उठा के मुंह में डालते हैं तो ये वायरस उन्हें बहुत जल्दी प्रभावित कर देते हैं, और जिससे उन्हें उल्टी या लूज मोशन शुरू हो जाते हैं। जो कॉमनेस्ट पैटर्न है छोटे बच्चों में, पहले उल्टी होती है, उन्हें उल्टी एक से दो दिन लास्ट करती हैं, और लूज मोशन उनको 4 to 5 days 6 days तक भी लास्ट करते हैं। तो पहली चीज़ तो इसमें कोई इंजेक्शन आपके बच्चे को एकदम से नहीं ठीक कर सकता, ये इसका एक टाइम पीरियड है। जैसे मैंने बताया कि उल्टी एक से दो दिन रहती ही है, उसमें एक आजकल बहुत फेमस ड्रग है ऑनडेस्ट्रॉन और एमिसेक्ट या ऑनडेम, जो बच्चों को फ़ायदा करती है। और उसके अलावा जो लूज मोशन है, लूज मोशन के लिए पर से कोई हम पे ऐसी एंटीबायोटिक नहीं है जो उन्हें एकदम से सही कर दे, और लूज मोशन अपना टाइम लेके 4, 5, 6 days लेके ठीक होते हैं। तो ये बात हमें ज़रूर ध्यान रखनी है और इस कोर्स को समझना है। जब हमारा बच्चा बीमार हो गया तो हमें मान के चलना है कि 6-7 दिन उसे लगेंगे ठीक होने में, नो मैटर हम कितना ही ट्रीटमेंट दे दें, कितनी दवाइयाँ लगा दें। हाँ, डॉक्टर को दिखाना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप नहीं समझ पाओगे कब उसे सीवियर डिहाइड्रेशन हो गया है, कब वो बच्चा सीरियस हो गया, तो डॉक्टर को तो बार बार भी दिखाना पड़ सकता है आपको लूज मोशन में। बट आपको घर पे बिना घबराए कैसे केयर करनी है, तो देखिए मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा, इसका जो मेन ट्रीटमेंट है वो ORS है। अब ORS बहुत फैंसी रूप में भी आने लगा है, जैसे ये टेट्रा पैक में आता है ORS, और छोटे सेशन में आता है और बड़े सेशन में आता है। तो बहुत सी बार पेरेंट्स तो बहुत मेजर गलती करते हैं, जो बड़ा वाला पैकेट है वो 1 liter पानी के लिए है और छोटा पैकेट है 200 ml पानी के लिए। तो कई बार वो छोटे बड़े पैकेट को ग्लास में डाल के बना देते हैं, जिससे उसके अंदर सोडियम और पोटेशियम जो उसके अंदर मिनरल्स हैं उनका जो रेशियो है वो बिगड़ जाता है और बच्चे को बहुत नुकसान देता है। और ये अनकॉमन नहीं है, हम 1 to 2 बच्चे हाई सोडियम की वजह से लूज मोशन में एडमिट करते हैं। बहुत सी बार माँ ये सोचती हैं कि इतना तो ये पिएगा नहीं, तो वो पूरा पैकेट ना डाल के अंदाजा चला देती हैं, आधा ग्लास पानी में थोड़ा सा ORS डाल दिया। जो ये थोड़े से का कॉन्सेप्ट है, ये बच्चों के हिसाब से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप ऐसे अंदाजे से अप्रॉक्सीमेशन से अगर चीज़ें देंगे बच्चों को तो वो और ज़्यादा बीमार हो जाएंगे, उनका सोडियम कम हो सकता है। तो इसलिए आपको बड़ा ध्यान रखना है, जैसे इन सैशे पे लिखा है, इन सैशे पे सब पे इंस्ट्रक्शन लिखी रहती है, आप उसे पढ़ें ध्यान से और उसके अनुसार उसको बना के दें। चाहे बच्चा 2 बूंद पिएगा या 200 बूंद पिएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और मैंने देखा जब बच्चे बहुत बीमार हो जाते हैं तो बॉटल से या कटोरी चम्मच से लेते तो हैं, बट आप स्लो स्लो दो, एक स्पून दो फिर रुक जाओ, एक स्पून दो फिर रुक जाओ, एक स्पून दो फिर रुक जाओ। इस मेथड से आप जो आप एक बॉटल उसे बहुत जल्दी 5 to 10 minutes में पिलाने की चेष्टा कर रहे थे, अगर आप वो 200 ml उसे आधा पौना घंटे में पिला दें तो उसके अंदर बहुत इम्प्रूवमेंट आ जाता है। तो ऐसे इस जो ORS है उसको देने के लिए बहुत पेशेंस से आप क्लिनिक से सीख के जाएं अपने डॉक्टर के, क्योंकि ORS ही इसका इलाज है, नहीं तो मजबूरन फिर आपको एडमिट ही करना पड़ेगा। जहाँ तक एंटीबायोटिक्स की बात है, वो सिर्फ 1-2 डायरिया में ही काम करती है। जब पॉटी के अंदर ब्लड आने लगे, पॉटी के अंदर पस आने लगे, और बच्चे को छोटी छोटी पॉटी हो रही है और पेट में उससे पहले दर्द हो रहा हो, तब वहाँ पर एंटीबायोटिक बहुत अच्छा काम करती है। जो एक ये ब्लैंकेट थेरेपी है कि ओफ्लॉक्सासिलिन और मेट्रोजिल का कॉम्बिनेशन हम जनरली देते हैं, तो उसका प्रैक्टिकली किसी भी गाइडलाइन में वो कॉम्बिनेशन रिकमेंडेड नहीं है और उसका कोई इफेक्ट भी नहीं है। तो ज़्यादातर लोग ना अननेसेसरी दवाई देते हैं, मेट्रोजिल को, मेट्रोनिडाजोल को ज़्यादा देने से उसे जीभ और कड़वी हो जाती है और बच्चे और उल्टी करने लगते हैं। तो आप दवाइयों पर से ध्यान हटा के बहुत पेशेंस के साथ आप उसको ORS पिलाइए, और जो माएँ अपने बच्चों को खुद अपना दूध पिला रही हैं वो कंटिन्यू करें। बहुत सी मैंने देखा है पेरेंट्स जो हैं बच्चे को दूध पिलाना बंद कर देते हैं, तो वो भी नहीं होना चाहिए। और
ORS के अलावा जो खाने में आप दे सकते हैं जैसे पोटैटो बहुत अच्छा है, केला बहुत अच्छा है, खिचड़ी बहुत अच्छी है, बट जूसेस नहीं देने चाहिए, स्पोर्ट्स ड्रिंक नहीं देनी चाहिए। अगर आप जूस देंगे तो उसमें मीठे की मात्रा ज़्यादा होती है, फर्दर डाइजेस्ट करेगा। बहुत से लोग अंगूर खिलाने लगते हैं, अनार खिलाने लगते हैं, तो अगर लूज मोशन के अंदर हमें फल देना है तो केला देना है, हम सेब दे सकते हैं, सेब बहुत अच्छा है लूज मोशन में, सूजी का हलवा दे सकते हैं हम उसको, मैदा की चीज़ें भी दे सकते हैं बिकॉज ये थोड़ा सा इंटेस्टाइन को स्लो करती हैं। मैश पोटैटो, फिंगर फ्राइज, ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी डाइट है, खिचड़ी है, दाल चावल है, ये सब बहुत अच्छे हैं। बहुत से पेरेंट्स सिर्फ लिक्विड ही देते रहते हैं, तो देखिए अगर आप सिर्फ लिक्विड देंगे तो जैसे ही डिहाइड्रेशन कंप्लीट होगा तो वो लिक्विड नीचे से निकलने लगेगा, इसको स्टारवेशन डायरिया बोलते हैं हमारी भाषा में। तो सिर्फ आप लिक्विड लिक्विड पे ना रखें, ये भी अनकॉमन नहीं है। बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों को बिस्कुट बहुत खिलाते हैं, बहुत जूसेस देते हैं, और आजकल फ्रूटी वगैरह का, फ्रूटी रियल जूस का टाइम है, तो वो ये सोचते हैं कि बच्चा कुछ तो ले रहा है यही दे दें, तो वो फर्दर उनको डायरिया करता है। और ऐसे बच्चे भी हमारे पास ना डायरिया के रूप में आते हैं, उनको सुबह की पॉटी तो ठीक होती है बट वो जूसेस वगैरह लेना शुरू करते हैं तो शाम तक वो लूज मोशन करने लगते हैं। बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं जो उन्हें डायरिया करती हैं, तो हर चीज़ बड़ा जुडिशियली यूज़ करनी चाहिए। बच्चों के अंदर एक खासियत है, वो बड़ों के मुकाबले जो उनका स्किन का सरफेस एरिया है वो करीब 3 times है, तो बहुत जल्दी उनमें पानी की कमी हो जाती है, बहुत जल्दी वो बच्चे उनकी आँखें गड्ढे में चली जाती हैं, उनकी जबान सूख जाती है, होंठ फटे फटे हो जाते हैं, या उनका उन्हें बुखार हो जाता है डिहाइड्रेशन की वजह से, या यूरिन कम करने लगते हैं। तो जब तक भी आप डॉक्टर से मिलें उस दौरान आप ORS ज़रूर पिलाते रहें, क्योंकि ORS बहुत लाइफ सेविंग है। अननेसेसरी दवाइयों के चक्कर में अपना टाइम ना नष्ट करें, चेकअप जरूर कराएं अपने पीडियाट्रिशियन से, क्योंकि बिना चेकअप के तो आप कभी भी नहीं पता लगा पाओगे कौन सा बच्चा सीरियस हो गया। और छोटे बच्चे बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं, बहुत जल्दी सीरियस हो जाते हैं। कभी कभी बच्चों में कान के इन्फेक्शन से भी लूज मोशन हो सकते हैं, निमोनिया से लूज मोशन हो सकते हैं, टाइफाइड से लूज मोशन हो सकते हैं, बट जहाँ तक हो सके आप अगर बॉटल फीडिंग कराते हैं और आप अगर स्टरलाइजर अफोर्ड कर सकते हैं तो इट इज़ बेटर आप स्टरलाइजर लें और अच्छी क्वालिटी की बॉटल्स लें, क्योंकि जो सस्ती बॉटलें हैं वो उबल उबल के उनके अंदर छिद्र बन जाते हैं और बैक्टीरिया रहते हैं और वो वैसे भी टॉक्सिन्स रिलीज करती हैं। और आप अगर ये सब नहीं खर्च करना चाहते हैं तो आप कटोरी चम्मच से आराम से दूध पिला सकते हैं, ORS पिला सकते हैं, इवन बॉटल की जो कैप है या कोई छोटी गिलासिया है उससे भी आप बच्चों को ORS या दूध पिला सकते हैं। कोई बोतल पिलाना कंपलसरी नहीं है, जो गाइडलाइन है डॉक्टर की उसके हिसाब से तो 6 months के बाद बोतल देनी नहीं चाहिए बच्चे को, बट क्योंकि बोतल से दूध पिलाना सरल होता है तो पेरेंट्स दूध पिलाते ही रहते हैं। दूसरा, हैंड वॉशिंग बहुत ज़रूरी है, बार बार हाथ धोना, और खासकर जब डायरिया हो रहा हो तो उसके डायपर को आप अलग रखें, जहाँ आपका खाने बनाने वाला स्थान है उससे तो बहुत ही दूर रहें, और डायपर को एक बंद लिफाफे में बंद करके प्लास्टिक लिफाफे में उसको थ्रो करें। और ऐसे बच्चों का डायपर बहुत जल्दी जल्दी चेंज होना चाहिए, क्योंकि डायपर गीला होने की वजह से जो पॉटी का स्थान है वो भी गीला रहता है और वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, डायपर कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो जाती है जो 3rd or 4th day हो जाती है, और बच्चे को बहुत पेन होता है, डायरिया से वो सुधर रहा होता है इधर पेन से बिलबिला रहा होता है। तो आप उसके पेरिनल एरिया का बहुत ध्यान रखें, जैसे मैंने इसको सोचा है कि मैं एक लोगों को समझाता हूँ कि आप एक किसी भी फवारे से लेके पानी के उससे उसको धो दें, उसमें 1 bottle पानी के अंदर 1/2 चम्मच नमक डाल लें और उससे पॉटी की जगह को धो के हेयर ड्रायर से सुखा लें, तो बच्चे की जो पॉटी की जगह वो ख़राब नहीं होगी। तो ये जनरल नर्सिंग हमें सबको पता होनी चाहिए और सब में ये स्प्रेड होनी चाहिए, जिससे बच्चे हमारे परेशान होने से बचेंगे, अनावश्यक भर्ती होने से बचेंगे और अनावश्यक दवाइयाँ खाने से बचेंगे। और नेक्स्ट टाइम के लिए, जैसे छोटे बच्चों के लिए 2, 4, और 6 महीने पर रोटा वायरस की वैक्सीन है, वो बहुत ज़रूरी है। अब टाइफाइड का टीका भी 9-10 महीने की उम्र पे लगने लगा, वो भी बहुत फ़ायदे का है। तो जितने वैक्सीन्स हैं हमारे वो ज़रूर लगने चाहिए। जो लोग निम्न आय वाले हैं वो जितने भी हमारी गवर्नमेंट हमें टीके मुहैया करा रही है वो सब लगाएं, और फिर थोड़े जो बचते हैं 2-3 टीके वो सेपरेटली भी लगवा सकते हैं, उससे उनकी कॉस्ट भी कंट्रोल रहेगी और बच्चा भी सुरक्षित रहेगा। बट इसमें की दो ही की हैं जो इसके 2 messages हैं, एक तो हैंड वॉशिंग, नाखून काट के रखें, हाथ धो के रखें। बहुत सी माताएं नाखून काटने पे ध्यान नहीं देती हैं, ना अपने ना बच्चों के, वो भी एक मेन कारण है उनके अंदर इन्फेक्शन होने का। दूसरा, ORS का जुडिशियल प्रयोग करें, सही मात्रा में बनाएं जो ORS, जिससे कि बच्चा सुरक्षित रहे। ORS में अगर आपने गाढ़ा ORS कर लिया या पतला कर दिया तो उससे भी आपको बहुत परेशानी हो जाएगी।
कनिका ने मुझसे पूछा है कि थोड़ा बच्चे का वेट कम हो जाता है लूज मोशन के बाद, तो ये निश्चित रूप से, क्योंकि बच्चों के शरीर में 40-60% पानी होता है, जब उनका पानी लॉस होता है तो उनका वेट थोड़ा गिर जाता है। बट अगर वो एक्टिव हैं, यूरिन सही पास कर रहे हैं, उनकी जो मुंह की अंदर से झिल्ली है वो ठीक है, गीलापन है उसमें, और आँखों में रोने में आंसू आ रहे हैं, तो इसका मतलब उनका हाइड्रेशन सही है। हाँ, अगर बच्चा रोए जा रहा है और आंसू भी नहीं आ रहे और मुंह सूखा हुआ है, तो उसके अंदर डिहाइड्रेशन हो रहा है। और ये सिर्फ 5% डिहाइड्रेशन, मतलब बहुत हल्के से माइल्ड डिहाइड्रेशन में भी बच्चे की सारी बॉडी सूख जाती है। तो वेट घटना तो नॉर्मली है, 200-300 ग्राम घटना। और सिर्फ वाटर कनिका पूछ रही है, सर व्हेनेवर माय चाइल्ड गेट इल ही डजंट टेक वाटर इवन एन ओआरएस या कोई भी, और मिक्स वाटर ही देन टेक वेट शुड आई गो। अगर देखिए बच्चा कुछ नहीं लेता है तो कई बार आप एप्पल जूस, आधा पानी और आधा एप्पल जूस करके ट्राई कर सकती हो। हालांकि ये रिकमेंडेड नहीं है, बट कुछ तो देना ही पड़ेगा, और आप बात बात पे एडमिट नहीं कर सकते बच्चे को, तो कुछ लिक्विड तो जाना ही चाहिए। तो ये लिक्विड यही ज़्यादा अच्छा है कि हम अगर बच्चों को ORS देने की टेक्निक करने का मैंने बताई है ना, आप ORS प्रॉपरली बनाइए। और मैं तो कहता हूँ जैसे गर्मी आ गई है, ORS की एक ब्यूटी ये है कि जब हमारे शरीर के अंदर सोडियम की कमी हो जाती है तो बच्चा ORS एक्सेप्ट करने लगता है। जो बच्चे अदरवाइज ORS नहीं पीते, सोडियम की कमी से, पानी की कमी से, ORS एक्सेप्ट करने लगते हैं। अब जैसे गर्मी आ गई है तो आप साफ पानी में बॉइल करके ठंडा कर लें, उसमें ORS डाल के आप उसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। फ्रिज में रखने से क्या फ़ायदा होगा कि थोड़ा सा वो हल्का सा कूल हो जाएगा, तो कूल वाटर में थोड़ा ट्रेस भी मास्क हो जाएगा, जो नम का पानी सा लगता है वो थोड़ा उसे कम लगेगा और बच्चा उसको आराम से पी लेगा। तो ये ऐसा कोई असंभव नहीं है, बच्चे को पिलाया जा सकता है। और आप लोग कोई मुझसे इस बारे में सवाल जानना चाहें, बट ये जो अननेसेसरी के इंजेक्शन हैं, मीकासेन और नेट्रोमाइसिन, ये सब कोई रोल नहीं रखते हैं, इनका कोई फ़ायदा नहीं है। बच्चे को बीनने से कोई फ़ायदा नहीं है, बच्चा तो पहले ही परेशान है, उसे इंजेक्शन लगा के और दुख पहुंचाना मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और मुझे अब करीब करीब 22-23 साल हो गए बच्चे